हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस अग्रवाल ऑफिशियल में। मेरा नाम है अमित कंसवाल। मैं जो है आपके लिए एक न्यूमेरिक सिस्टम या नंबर सिस्टम से एक स्पेशल क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये JNV के एग्ज़ाम में हूँ, और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसलिए स्पेशली मैं इसी क्वेश्चन के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। तो जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर। द सम ऑफ द डिजिट्स, एक मिनट में इसमें पेन ले लूँ। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ टू डिजिट नंबर, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, एक टू डिजिट नंबर है, उसके जो डिजिट्स हैं उनका सम, सम मतलब योग, उनका सम जो है इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। हाँ, तो यहाँ पे मैं हिंदी में भी समझा लेता हूँ इसको। हमें क्या है, एक टू डिजिट का नंबर दे रखा है, दो अंकों की एक संख्या दे रखी है, और उस संख्या के जो डिजिट हैं उनके योग को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है उसी नंबर में से जो नंबर हमें दे रखा होगा। तो इस तरीके का जो नंबर होगा वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, कि जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। जैसे कि कोई टू डिजिट नंबर है हमारे पास 36, तो इसमें जो डिजिट देखें हम या अंक, इसमें कौन कौन से अंक हैं, एक तो 3 है और एक 6 है। तो इन दोनों को हमने क्या करना है, ऐड करना है। 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है। तो क्या बोल रहे हैं, ये जो सम है उसको बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है उसमें से घटाना है हमने, कि उसमें से घटाना है। घटा के जो नंबर हमें मिलेगा, यहाँ पे तो हमें 27 मिल रहा है, तो घटा के जो नंबर हमें मिलेगा वो इनमें से किससे हमेशा डिवाइड होगा कि। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसको बेसिक तरीके से बता देता हूँ, फिर इसको अलग एक शॉर्टकट तरीके से भी मैं बता दूंगा। वैसे आप याद रख सको तो याद रखना, इसका हमेशा जो आंसर रहता है 9 रहता है, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो डायरेक्ट हम याद भी रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन का आप ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या है। जैसे कि टू डिजिट नंबर है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो टू डिजिट नंबर है ये कितना है, XY है। ये टू डिजिट नंबर कितना है, XY है। अब आपने एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ी होगी। एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे कोई टू डिजिट नंबर है उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे कि यही वाला मैं देख लेता हूँ 36 में, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में जैसे 3, ये 3 कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 × 10 ऐसे लिखा जाता है, आपको याद भी होगा। इसी तरीके से प्लस करके ये 6 यूनिट प्लेस पे है, तो इसको क्या लिखा जाता है, 6 × 1 लिखा जाता है। उसी तरीके से ये जो नंबर है, मैंने एक टू डिजिट नंबर मान लिया है कि XY है, इसको इसी तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये X क्या है, X कौन से प्लेस पे है, ये जैसे यहाँ पे ये 3 था, कौन से प्लेस पे था, टेंस प्लेस पे था, तो ये देखो ये यूनिट प्लेस, ये टेंस प्लेस, तो X टेंस प्लेस पे ही है, तो ये X किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस Y यूनिट प्लेस पे है, तो Y किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा, तो X × 10 कितना बन जाएगा हमारे पास, 10X बन जाएगा। इसी तरीके से Y × 1 कितना बनेगा, Y बनेगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल में टू डिजिट नंबर दे रखा है वो ये हो गया। अब क्या बोला था उन्होंने कि इस टू डिजिट नंबर में से क्या करना है, डिजिट्स के सम को, जो अंक हैं उनके योग को घटाना है हमें, उनके योग को क्या करना है, घटाना है। तो अंक तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ही देख सकते हैं, X + Y है, और नंबर ये है, तो ये देखो ये नंबर ये रहा 10X + Y, इसमें से हमने क्या करना है, घटाना है इसके अंकों के योग को या डिजिट्स के सम को। तो ये देखो ये डिजिट्स का सम हो गया, और ये क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो देखो रिजल्ट कितना आ जाएगा। मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँ, ये -X होगा, इसी तरीके से -+ का माइनस हो जाता है ब्रैकेट ओपन करते हुए, ये भी देखो Y है। अब देखो जो लाइक टर्म होते हैं, जो एक जैसे होते हैं, उनको हम आपस में जोड़ भी सकते हैं और आपस में घटा भी सकते हैं। तो इनमें से एक जैसे कौन से हैं, ये देखो ये X वाला और ये X वाला, ये एक जैसे हैं, और ये Y वाला और ये Y वाला, ये एक जैसे हैं, तो इनको हम आपस में घटा सकते हैं। तो देखो 10X है और ये -X है,
माइनस एक्स का मतलब हर एक के मल्टीप्लाई में वन जरूर होता है, हर एक के मल्टीप्लाई में क्या होता है, वन जरूर होता है। तो 10 में से मैं ये 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा या घटाऊंगा तो कितना आता है, 9 आता है। लेकिन ये x के साथ था तो x के साथ ही रहेगा। इसी तरीके से ये तो प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, ये तो आपस में क्या हो गए, कट गए हैं। तो यहां पे देखो ये हमेशा 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है, ये क्या आ रहा है, हमेशा 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो इसलिए हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, 9 को टिक करेंगे। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा कि हम किसी भी नंबर में से उसके डिजिट के सम को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा 9 से तो डिवाइड होता ही होता है। एक स्पेशल केस और याद रखना, हो सकता है कभी वो ऑप्शंस को बदल के दे दें, 9 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ साथ में 9 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं, 9 के क्या होते हैं, जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनसे भी क्या रहेगा, ये डिविजिबल रहेगा। 9 से तो होगा ही होगा, ये तो हमने निकाल ही लिया है। लेकिन मैं दोबारा अभी क्या बोल रहा हूं कि 9 के जो फैक्टर्स होंगे उनसे भी वो संख्या हमेशा क्या रहेगी, डिविजिबल रहेगी। जैसे कि 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, तो फैक्टर्स के बारे में आपको पता होगा, फैक्टर क्या होते हैं कि जो ये नंबर है वो किस किस से कटता है। तो देखो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 2 से नहीं कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से नहीं कटता 9, 5 से भी नहीं कटता 9, 6 से भी नहीं कटता, 7 से भी नहीं कटता, 8 से भी नहीं कटता और 9। तो इन तीनों नंबर से तो ये हमेशा का हमेशा क्या रहेगा, डिविजिबल रहेगा। तो बाय चांस ऑप्शन में आपके पास आ जाता है 1, 3, 9, तो डी ऑप्शन वहां पे दिया होगा ऑल ऑफ दीज, तो आप क्या करोगे, ऑल ऑफ दीज को टिक करोगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ा आप लोग जो हैं ये एक्स और वाई के ज़्यादा हैबिट में नहीं होंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई सा भी नंबर ले लें, 46 ले लिया मैंने। अब इसके डिजिट का सम देखूंगा तो डिजिट का सम 4 प्लस 6 कितना होता है, 10। तो 46 में से मैं 10 को माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36। तो ये देखो 36 ये 9 से कटता है, यहाँ पे ऑप्शन से चेक कर सकते हैं हम, 2 से तो कट रहा था, 5 से नहीं कट रहा था, 8 से भी नहीं कट रहा था, 9 से भी कट रहा था। तो हम सोच सकते थे या तो 2 है या तो 9 है। कंफर्म करने के लिए कोई और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे कि 57 ले लेते हैं। तो इसके डिजिट का सम 5 प्लस 7 कितना हो जाता है, 12। 12 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 45 भी देखो 9 से कटता है, क्योंकि इसके डिजिट का सम 9 हो रहा है तो इसका मतलब 9 से ये कटता है। तो देखो 2 भी रिजेक्ट हो जाता, ऑप्शन क्या रहता, 9 रहता। तो या तो आपको इस तरीके से करना है या इस तरीके से चेक कर सकते हैं, और मैं तो बोलूँगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप याद भी रख सकते हैं, याद रखेंगे तो जल्दी से टिक हो जाएगा, आपका एग्ज़ाम में टाइम काफ़ी सेव होगा। ये स्पेशल क्वेश्चन था इसलिए मैं आपके लिए लेके आया था इसको। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।